नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। और आज हो गया है 20 सितंबर, तो आज का ये वीडियो तो भैया आना बनता ही बनता था, क्योंकि आप लोग के डेली मैसेज आते हैं। डेली मैं वीडियो क्यों ना बना दूं, वैसे डेली तो नहीं बनाता हूँ, बट हाँ कभी कभी बीच में आपको अपडेट देता हूँ। और आज 20 सितंबर हो चुका है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 28 सितंबर से आपका काउंसलिंग है। तो जो लोग के दिमाग में सवाल है भैया काउंसलिंग कब है, तो 28 सितंबर को ही, तो सबको क्लियर है, वो आपका अपडेट निकल के आ चुका है। काउंसलिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपना सुधार सकते हो, अभी से वो चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो आप लोग उसको बेटर कर सकते हो। इसके सेशन को स्टार्ट करेंगे, पहले आप लोग ना मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भैया कौन सा, जो आपको ये जो ग्रह दिख रहा है ना, मैं आप जो पीछे ग्रह दिख रहा है 3D आकृति में, ये कौन सा ग्रह है? कोई फुटबॉल ये गेंद नहीं है भैया, ये किस कोई ग्रह है और कौन सा ग्रह है? आपके पास 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से कौन सा ग्रह है आप लोग इसको गेस करके बताइएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने लोग आप लोग ग्रह के बारे में जान चुके हैं। मैंने आपको इसको एक बार पढ़ाया था, दिखाया भी था, ठीक। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं भैया बीएड के बारे में, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें बीएड के बारे में, जो बीएड आपका 2022 की अगर हम बात करते हैं इसके काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है, इसके काउंसलिंग को लेकर जो लोग आप लोग बार बार पूछ रहे हो, तो इसका काउंसलिंग पहले स्टार्ट कब से है डेट याद रखिएगा, इसका डेट है 28 सितंबर। ये तो भैया सबको पता, भैया 28 सितंबर से इसका जो है काउंसलिंग स्टार्ट है। डॉक्यूमेंट बार बार नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ क्या तैयार रखना है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, ये है कि आपका जो एंट्रेंस, जो आपका काउंसलिंग होता है, जो आपका काउंसलिंग होता है, ये आपका कई सारे राउंड में होता है। एक तो कई सारे राउंड में होता है, प्लस कई सारे फेजेस में होता है। तो जो पहला राउंड होता है, आपको पूरा फोकस करना है राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 जो आपका होता है, इसमें कई सारे फेज होते हैं, जिसमें फेज 1 होता है, ठीक है, एक बार समझ लो जिसको, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, 3 या 4 फेज तक आपका जाता है। और पहला फेज, जितने लोग सरकारी सीट की चाहत रखते हैं, अगर पहले फेज में आपका रैंक आ रहा है तो आपके चांस है, ठीक है। अगर आपके 10,000 रैंक तक हैं तब तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। लेकिन पहले फेज में अगर आप हैं, पहले फेज का मतलब क्या होता है, पहला फेज आपका 1 से लेकर के 75,000 रैंक तक जाता है। कब तक जाता है भैया आपका? 75,000 रैंक तक जाता है, यानी कि 28 तारीख को उन्हीं का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जिनकी रैंक इसके बीच में रहेगी, ठीक है। ये काउंसलिंग सिर्फ शेड्यूल पूरा निकल के आएगा, वहां पे आपको ये दिया रहेगा। तो जो पहला फेज है आपका 1 से लेकर के 75,000 के बीच में ही रहेगी, तो ही आपका जो है कह सकते हैं आप पहले फेज में जा सकते हो। तो इतना रैंक, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक में मत घुसना, जनरल रैंक आपका इतना रहेगा तो आप इसमें घुस सकते हो। तो ये मान के चले, जो लोग बार बार परेशान थे सर मेरा किस फेज में जाएगा क्या जाएगा, तो रैंक के हिसाब से रहता है, उसके लिए परेशान मत होइए। तो अगर आप पहले फेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस बन सकते हैं मिलने के। बस आप लोग जब आप लोग कॉलेज चूज करना तो उसको थोड़ा वाइजली चूज करना, या मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको जब कॉलेज चूज करने की बारी आएगी, जो भी आएगा, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस मुझे बनाने पड़े, दिन भर लाइव लेना पड़े, बट मैं आपको लाइव काउंसलिंग करके दिखाऊंगा। लाइव जो है मैं आपको हर चीज कॉलेज को भर करके दिखाऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो चीज मैं आपको अपने चैनल पर लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था, इस ईयर भी जो है मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल जो है चिंता मुक्त होकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम हैं तो क्या गम है भैया, अब अगर हम हैं तो क्या गम है, कोई टेंशन लेने वाली जो बात है नहीं रहनी चाहिए। तो ये काउंसलिंग के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए, डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब यहाँ पर जैसे काफ़ी लोग के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट बन रहा है, बहुत मतलब इतना ज़्यादा डेली क्वेश्चन आता है, डेली प्रश्न आता है कि सर जी क्या अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भरेंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भर सकते हैं? तो भैया पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आप कॉलेज भरना चाहो, कोई भी यूनिवर्सिटी का, जैसे आप काफ़ी लोग कहते ना कि सर मैं जैसे मान लो बस्ती का रहने वाला हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, तो यूनिवर्सिटी जो आपकी अवध पड़ती है, तो आज लोग कहते हैं सर अवध यूनिवर्सिटी के जो अंदर में कॉलेज आएंगे क्या वही भर सकते हैं? नहीं भैया, जितनी भी यूनिवर्सिटी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे गाजियाबाद में चले जाओ, चाहे मतलब पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक जितने भी आपके होते हैं, आप जो है वो भर सकते हो कॉलेज में,
क्या कितने कॉलेज डाल सकते हो, तो जितने चाहो उतने कॉलेज डाल सकते हो, बट उसको भी थोड़ा वाइडली डालना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, क्या ढेर सारे कॉलेज डाल दोगे, जब कॉलेज का जो है चयन करने की प्रक्रिया आती है, जब वहाँ से ऑटोमेटिक चयन होता है, तो काफ़ी कई बार क्या होता है ना कि आपने 17-18 कॉलेज डाल दिए हैं, क्या पता आपको स्टार्टिंग में 2-3 कॉलेज में एक कॉलेज मिल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपका देखेगा इतने सारे कॉलेज पड़े हैं, पीछे वाली कोई कॉलेज उठा करके आपको दे देगा, तो ये गलती भी नहीं करना है। अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम जो है कॉलेज डालें, जिससे आपका बेटर बेटर जो रिजल्ट आपको मिल सके। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो भी डाउट हैं आप, जो भी सवाल हैं आप लोग पूछिएगा, काफ़ी सारे वैसे सवाल आते हैं, बट आज मैं क्वेश्चंस ले नहीं पाया हूँ। आज जो है 20 सितंबर हो चुका है, कल या परसों में मैं एक लाइव ले लूँगा सेशन, ठीक है, उस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के कमेंट उठाऊंगा, या 25 तारीख को या सीधे 27 तारीख को रखते हैं लाइव सेशन, आप लोगों के कमेंट उठाऊंगा, रखूंगा, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो, एक बार जाते जाते फिर से मैं डॉक्यूमेंट कह देता हूँ, डॉक्यूमेंट में आप लोग अपना बैंक अकाउंट जो है उसको खुलवा लीजिए अगर नहीं खुला है तो, इसके अलावा अपना मार्कशीट जितना भैया आप रख लीजिएगा, हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक का, अपना एडमिट कार्ड, अपना रिजल्ट, अपना फोटो और आपके जो प्रमाण पत्र हैं उनको रख लीजिएगा, वो आपके टाइम पे लगेंगे, और कॉलेज के टाइम पे इन सब का ओरिजिनल भी लगता है जब एडमिशन लेने जाओगे, तो अभी काउंसलिंग में ओरिजिनल नहीं लगता है, जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तब आपका जो है ओरिजिनल लगता है, तब उसके लिए रखिएगा। तो अभी इतना रखो, जो भी सवाल हो नीचे कॉमेंट करके पूछो, मैं आपको यहाँ पर हूँ, मैं आपको बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाने की ज़रूरत है, एक एक सवालों के आपके जो डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे वीडियो बना करके, या आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी जो है थोड़ा सा ये जान सकें और परेशान ना हो, ठीक। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव।